प्रबंधकों को छुड़ाया। मौसम तीज त्योहारों का है, अपनों से दूर रहने से त्योहार की जो खुशी है खुशी न होकर मन में एक चीज पैदा करती है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल पूरा मामला रायगढ़ जिले के सबसे बड़े तहसील सारंगढ़ के ग्राम दमदरहा से जुड़ा हुआ है। यहां 19 परिवारों को अच्छे काम दिलाने के नाम से गांव का ही वासुदेव नाम का झारा युवक ग्राम कालवाचेरा पेरापल्ली तेलंगाना ले गया था, जहां पर पहुंचने से कुछ दिनों तक तो काम और पैसा दोनों मिलते रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बिताते गया जिस काम के लिए ले जाया गया था उस काम को न करवा करके ईंट बनाने में लगा दिया गया। इस बात का विरोध करने पर ग्रामीणों को परेशान भी किया जाता था, जिसकी इन परिवार में से एक व्यक्ति बसंत कुमार झारा वापस गांव आया और इसकी शिकायत रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक झा को दी। लेकिन जब वहां जाने के बाद हमको पता चला कि ना वहां मूर्ति बनाया जाएगा, वहां को तो हमको सिर्फ भट्टी में जाकर मैंने कुछ और दूसरा काम कराया जाएगा। फिर हमने बोला कि छुट्टी कराओ बोल के, तो वो नहीं बोला, अभी छुट्टी नहीं होगा बोला। और वहाँ रोजी मिलता था 300 रुपये पुरुष का, महिला का 250 रुपये। वहाँ का रहन सहन और खाने पीने के लिए क्या मिलता? हाँ, खाने पीने के लिए अब हफ्ते में हम लोगों को ये पति पत्नी दो जने का हमको 400-800 रुपये खाने के लिए दिया जाता था। फिर वहाँ से आपको कैसे यहाँ आने के लिए कैसे आया? हाँ, हम लोग वहाँ काम नहीं कर पाएंगे बोले, तब मैंने हमारा सरदार ने मालिक को बहकाया कि ये लोग यहाँ से भागने वाले हैं, ये लोग यहाँ से भागने वाले हैं, इनको थोड़ा चमका बोला, डराव बोला। फिर मालिक ने हमको बुलाया, मालिक ने बुलाया और हमको सीधा डंडा से मारा, हमको डंडा से मारा। और तुम लोग मैंने यहाँ काम करने के लिए आए हो कि यहाँ कुछ दूसरे काम करने के लिए आए हो? हमेशा हम सुन रहे हैं कि तुम लोग घर जाएंगे बोल रहे हो, इधर रुको, तुम लोगों को मैं छुट्टी कभी नहीं दूंगा, ऐसा बोला मालिक और हमको डंडा से मारा। फिर हम लोग डर से मारे और क्या करते वहाँ पे काम करने लगे। फिर यहाँ हमारे पास जो हम लोग रहते थे वो करला चिल्ला जो जिला पैदापल्ली है, वहीं पे एक घटना और फिर भी हुआ था। ऐसे ताल वाले गए थे हमारे झारा समाज के, वही भी शिल्प कलाकार हैं, वो लोग भी गए थे। फिर हमने मैंने देखा पेपर में पढ़ा सुना कि हमारा छत्तीसगढ़ शासन उनको भी ऐसे मैंने जा करके लाया, उनका मदद किया। हाँ, वो लोग भी ऐसे परेशानी फंस गए थे, उनको भी मारता था पीटता था मालिक, उनको ऐसे ज़बरदस्ती ला कर कोई उड़ीसा का सरदार उनको जा कर के वहाँ पे भेज दिया था। फिर हमने उसको देखा, फिर हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आया कि नहीं ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ शासन में हमको मदद मिल सकती है बोल के हमने एसपी साहब से हमने जाके दरखास्त लगाई। हमने अपने भैया से बोला फ़ोन करके, भैया जा करके वहाँ पे आ जाके एसपी जी से आवेदन लगाए और बड़े बड़े सर से और पत्रकारों से मिले, उनसे बातचीत की हमारे दुख परेशानियों के बारे में। फिर जाके हम लोगों को वहाँ से लाने की व्यवस्था की गई, हमारे पुलिस अधिकारी महोदय जी ने हमको वहाँ से बाकायदा जितने लोग गए थे उनको सभी लोगों को अच्छी तरह से वहाँ से सभी लोगों को ले आए, जिस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सारंगढ़ से विशेष पुलिस की टीम तेलंगाना के लिए रवाना हुई और 30 अक्टूबर तड़के पुलिस टीम तेलंगाना राज्य के ग्राम कालवाचेरा थाना क्षेत्र के रामगुंडम जिला पेरापल्ली पहुंचे। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र की मदद से रामगुंडम में झावर के पास कार्यरत 7 अन्य और 13 परिवारों को ठेकेदारों के चुंगल से आजाद कराकर सारंगढ़ लाया गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि सारंगढ़ SDOP ने की। चौकी कदम पीरा के अंतर्गत ग्राम दमदरहा है, बैगिन डी ग्राम का रहने वाला वासुदेव झारा नामक व्यक्ति है, जो काफ़ी समय से तेलंगाना में रह करके काम करता है मजदूरी का, और काफ़ी लोगों को ये तेलंगाना के लिए ले जाता है मजदूरी करवाने के लिए। तो दमदरहा गांव के भी लोगों को इसने ये लालच दे करके बुलाया था कि मूर्ति बनाने का काम करना है और अच्छा वहाँ उसका मजदूरी मिलेगी। तो ये लोग उसके जाल में फंस करके और थाना रामगुंडम जिला पेदापल्ली का गांव है कलवाचेरा, जो तेलंगाना प्रदेश में स्थित है, वहाँ गए थे। तो इन लोगों से जिस काम के लिए ले जाया गया था उस काम न करवा करके अन्य कार्य करवाए जा रहे थे, उसमें ईंटा भट्टा वगैरह में काम करवाया जा रहा था, लोडिंग और प्रताड़ित भी किया जा रहा था, मजदूरी भी सही ढंग से नहीं दी जा रही। तो उनके चंगुल से करीब 16 लोग बच करके आ गए थे अपने गांव दमदरहा।
किनके द्वारा स्थिति को बताया गया और अपने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायगढ़ के पास में इन लोग जाकर के अपनी व्यथा को बताए तथा आवेदन दिए? पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस महोदय से चर्चा हुई, उनके द्वारा बहुत ही संवेदनशीलता प्रकट की गई इस मामले में। त्यौहार का समय है और उसके पहले अगर आ जाए वो अपने परिवार में अपने घर में तो दीपावली मनाए तो एक अच्छी बात हो। तो इसी उसको ध्यान में रखते हुए एक पुलिस पार्टी बनाई गई और पुलिस टीम को भेजा गया जहाँ इन लोगों का रहना था, कलवचेरा गांव, ग्राम दंदवाड़ा के जो लोग वहाँ से छूट करके आए थे उनके से इन लोगों के बताने के लिए। अब चूंकि इतना जल्दी था तो उसमें श्रम विभाग और राजस्व विभाग की पार्टी मिलना मुश्किल हो गया, तो इसलिए सिर्फ पुलिस के द्वारा ही जा करके वहाँ और इनको मुक्त कराया गया और इनकी मजदूरी दिलाई गई जितना होता था और वहाँ से सकुशल लेकर के आज सुबह 4 बजे इनके गृह ग्राम में पहुँचाया गया, जो खुशी खुशी अपने गृह ग्राम में रह रहे हैं। इतने व्यक्ति थे वहाँ? वहाँ तो पूर्व में 16 लोग आए थे और अभी 41 लोगों को बनाया, पूर्ण रूप से आ गए हैं, सब आ गए हैं। अब वहाँ एक भी व्यक्ति दमदरहा ग्राम का नहीं। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए शिवलाल खुटे की रिपोर्ट।